हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपको, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो उसने बोला है कि जो नंबर आपको गिवन है वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये बताना है आपको। वो नंबर बताना है जी किससे मल्टीप्लाई करूँगा, और क्या बताना है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड। और जो नंबर मिल जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नंबर दे रखा है 252। ठीक है, तो 252 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका 252 का। तो 252 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 126, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 63, फिर 2 से तो जा नहीं रहा है, 3 से जा रहा है 21, फिर 3 से जा रहा है 7 टाइम्स, और ये 1 ज़ा 7। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं 252 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो दो के पैर बनाते हैं, ये दो ये दो, इसके अंदर एक पैर नहीं बन पा रहा है, क्यों, क्योंकि 7 अकेला है। अगर 7 भी दो होते तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो इधर भी एक पैर बन जाता, इधर भी एक पैर बन जाता, और इधर भी बन जाता, बट ये पैर नहीं बन पा रहा है, क्यों, क्योंकि 7 अकेला है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 252 इंटू 7 करना पड़ेगा, तो 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 252 इंटू 7 कितना आएगा, ये 4, ये 1, 7 5 ज़ा 35, और 1 36, ये 3 ज़ा, 7 2 ज़ा 14, 14 और 3 1 7 6 4। ठीक है, तो 1 7 6 4 आ जाएगा नया नंबर, तो न्यू नंबर ऑप्टेंड, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 1 7 6 4। तो जो नया नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 1 7 6 4। तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब इसने क्या पूछा था कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑप्टेंड, तो जो नया नंबर आया है उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो 1 7 6 4 आया था हमारा नंबर। ठीक है, तो 1 7 6 4 कैसे आया था, 252 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो 252 को हम पहले भी प्राइम फैक्टराइज कर चुके हैं, तो 252 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 7, और एक ये मल्टीप्लाई वाला 7 इधर भी आ गया, तो दो पैर इधर, दो पैर इधर, दो पैर इधर। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 2 1 7 6 4 क्या हो जाएगा, 2 का है तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर है तो 1 इधर आ जाएगा, और 2 इधर है तो 1 इधर आ जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42। ठीक है, तो जो नया नंबर आया 1 7 6 4, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 42। ठीक है, तो आप चाहें तो पूरा 1 7 6 4 को प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हैं, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उससे डायरेक्ट क्या होगा, क्योंकि हमने देखा है 1 7 6 4 आया कैसे था, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करके, तो 252 का तो हम पहले ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, तो 252 की जगह हमने ये उसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, एक 7 था एक्स्ट्रा वो भी लिख दिया, तो दो दो के पैर अब सारे बन गए, तो दो दो के बन गए तो प्राइम फैक्टर जो उसका स्क्वायर रूट है वो आराम से निकल जाएगा, तो 2 × 2 × 7 दैट इज़ 42। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ 180। ठीक है, 180 को पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके, तो प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा 180 का, 2 से जा रहा है 90, फिर 2 से जा रहा है 45, फिर 3 से जा रहा है, 2 से तो नहीं जा रहा है, कितना आएगा 15, फिर 3 से जा रहा है 5, और फिर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 का पैर बन गया, 2 का बन गया, ये अकेला रह गया। ठीक है, तो ये अकेला है तो एक और चाहिए तब जाके पैर बनेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें वी हैव टू मल्टीप्लाई
बाय 5, ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 180 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 900, ठीक है। तो जो नया नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या बन जाएगा, 900। तो न्यू नंबर या नंबर ऑब्टेंड इज इक्वल्स टू 900। अब इसने क्या पूछा था कि नया नंबर निकालो, वो तो निकाल दिया। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड। तो जो नया नंबर आया है इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो जो नया नंबर है 900, इसको हम कैसे लाए हैं, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और 180 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले ही निकाल चुके हैं, क्या था, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये था। और ये 1 5 इधर है तो इसको भी लिखना ही पड़ेगा, तो इंटू 5 कर दिया, तो ये 5 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 2 का बन गया। तो अंडर रूट ऑफ 900 क्या हो जाएगा, 2 में से 1, फिर 2 में से 1, फिर 2 में से 1, तो देयरफॉर 900 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 × 5 दैट इज 30। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पहले जो नंबर दिया था उसका प्राइम फैक्टर निकाला। अब उसमें क्या कम पड़ रहा है, दो दो के पैर बनाने, उसमें क्या कम पड़ रहा है, 1 5 कम पड़ रहा है, तो 5 से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करा। तो जो नया नंबर आया वो है 900, ठीक है। अब जो नया नंबर आया उसका पूछा उसने स्क्वायर रूट निकालो, तो 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 × 5, ऐसे ही आया था ये 900, तो 180 × 5 कर दिया। अब 180 के प्राइम फैक्टर हमने निकाल चुके थे तो उसको लिख दिया, इंटू 5 इधर बोला है तो इधर भी इंटू 5 कर दिया। अब पैर बन गए तो 2 3 और 5, तो 2 × 3 × 5 क्या होता है, 30। तो जो नया नंबर आया 900 उसका स्क्वायर रूट क्या आया, 30, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज 1008, ठीक है। तो 1008 का आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 से जा रहा है ये, कितनी बार में जाएगा, 50 4 टाइम्स में, फिर 2 से जा रहा है 252, फिर 2 से जा रहा है 126, फिर 2 से जा रहा है 63, अब 3 से जा रहा है 21, फिर 3 से जा रहा है 7, और फिर 7 से जा रहा है 1 टाइम, ठीक है। तो 1008 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 2, 4 तो 2 थे, 2 3 थे और 1 7 था, ठीक है। 4 2 2 3 और 1 7, तो ये तो पैर बन गए, ये भी पैर बन गया, ये भी बन गया, ये अकेला रह गया, 7 अकेला रह गया, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जो नया नंबर आएगा तो नया नंबर क्या आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7056। तो जो नया नंबर है दैट इज न्यू नंबर इज इक्वल टू 7056, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि जो नया नंबर आ रहा है उसका भी स्क्वायर रूट निकालो, निकाल लेते हैं। तो 7056 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा था हमने 1008 × 7, ऐसे ही आया ये 7056। अब 1008 को तो हम पहले ही प्राइम फैक्टर कर चुके हैं, क्या था वो, 4 तो 2 थे, 2 3 थे और 1 7 था, ठीक है। और 1 7 हमने ये ऐड कराई है तो इसमें भी एक और 7 लिख लेते हैं। तो ये दो पैर बन गए, ये बन गया, ये बन गया और ये भी बन गया, ठीक है। तो इस दो में से एक बाहर आ जाएगा, इन दो में से भी एक बाहर आ जाएगा, इन दो में से भी एक बाहर आ जाएगा और इन दो में से, तो 7056 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, इन दो में से एक, दो में से एक, दो में से एक, दो में से एक, तो देयरफॉर 7056 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा होता है 84। तो 84 का स्क्वायर होगा आपका 7056, या फिर 7056 का स्क्वायर रूट होगा 84, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपका फोर्थ पार्ट, दैट इज 2028, ठीक है। तो 2028 का पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2028, 2 से जा रहा है 1014, फिर 2 से जा रहा है कितनी बार आएगा, 507, अब किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से करके देखते हैं, तो 3 की टेबल में 16 टाइम तो आ जाएगा 48 48, और इधर आ जाएगा 9, ठीक है। अब 169, 2 से भी नहीं जाता है, 3 से भी नहीं जाता है, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 169 क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है,
तो ये 13 की टेबल में जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा, 13 टाइम, ये 13, ये 1 ज़ा, ठीक है। अब 2028 को हम इसके प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 2 × 2 × 3 × 13 × 13, ठीक है, ये दो पैर बन गए, ये दो पैर बन गए, ये अकेला रह गया। तो अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, एक 3 से, क्योंकि ये 3 अकेला पड़ रहा है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई किससे करेंगे मल्टीप्लाई हम, बाय 3, क्योंकि 3 ही अकेला है, बाकी सबके पैर बन चुके हैं। तो 2028 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6084, ठीक है, 6084 आ जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो अब क्या लिखेंगे हम, न्यू नंबर ऑब्टेंड, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 6084, ठीक है, नया नंबर तो आ गया आपका 6084, बट इसने पूछा है कि जो नया नंबर आया उसका स्क्वायर रूट भी निकालिए, तो 6084 को हम ऐसा बोल सकते हैं 2028 × 3, ठीक है। तो 6084 इज इक्वल्स टू 2028 को प्राइम फैक्टर करेंगे हम, पहले ही कर चुके हैं हम, तो 2 × 2 × 13 × 13 × 3, ठीक है, खाली जम्बल कर दिया इसको, पहले 3 था तो इसको हमने बाद में लिख दिया, तो 2 × 2 × 13 × 13 और ये 3, एक 3 इधर हम लगा चुके हैं, तो ये आ जाएगा 3। अब पैर बन रहे हैं इसके, बन चुके हैं, तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 6084, तो इसका प्राइम प्राइम स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2, 13 और 3, तो 2 × 3 × 13, तो दैट इज 2 × 3 = 6, और 6 × 13 क्या होता है, 78, तो 6084 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 78, ठीक है। अब देखते हैं आपका फिफ्थ पार्ट, दैट इज 1458, 1458 का स्क्वायर रूट, पहले तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम, तो 1458 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 से जा रहा है ये, तो कितना आ जाएगा, 729, फिर 2 से जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, अब आ जाएगा 3 से, ठीक है, तो 3 से जाएगा तो क्या आएगा, 243, फिर 3 से जाएगा तो 81, फिर 3 से 27, 3 से आएगा 9, फिर 3 से 9, सॉरी 3, और ये 3 से 1, ठीक है। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर, तो क्या लिख सकते हैं हम, 1458 इज इक्वल्स टू 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो ये दो बन गए, ये दो बन गए, ये दो बन गए, 2 अकेला रह गया, ठीक है, पेयरिंग नहीं हो पा रही है इसकी, तो क्या करेंगे हम, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से करना पड़ेगा तभी एक प्राइम क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये, तो 1458 × 2, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 × 16, ये 1, 10, ये 1, 8 और एक 9, 2916, ठीक है। तो जो नया नंबर बना, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 2916, ठीक है, तो जो नया नंबर आया वो क्या आया, 2916। अब ये बोल रहा है जो नया नंबर आया उसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो 2916 का हम पहले परफेक्ट प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करने से बढ़िया है पूरे से हम क्या करेंगे, तो 2916 आया कैसे, 1458 को 2 से मल्टीप्लाई करके, और 1458 का हम पहले ही प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं, तो क्या था वो, 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, 6 तो 3 थे और एक 2 था, और एक ये 2 हमने पीछे लिखा है, तो ये 2 से भी करना पड़ेगा, तो ये दो पैर बन गए, ये दो बन गए, ये बन गए, इसका और इसका भी पैर बन जाएगा, ठीक है, 2 2 हो गए, तो अंडर रूट ऑफ 2196 क्या हो जाएगा, एक तो 2 आ गया और 3 3 आ गए, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54, तो देयर फोर 2916 का अंडर रूट क्या हो गया, 54, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज 768, तो 768 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 768 को 2 से करा तो कितना आ जाएगा, 38 और ये 4, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 192,
फिर टू से करेंगे तो क्या आ जाएगा 96, टू से करा 48, टू से 24, फिर टू से करा 12, फिर टू से करा 6, टू से 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो 768 को क्या बोल सकते हैं हम, टू ज़ा इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 4 6 टू सॉरी 8 टू है, तो ये तो हो गए 6, ये 2 और ये 1 3। ठीक है, तो 8 तो 2 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 और 1 3। ठीक है, तो 8 2 और 1 3 हो गए, तो ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये अकेला रह गया। ठीक है, तो 3 अकेला रह गया, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, एक 3 कम पड़ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 768 इंटू 3, तो 24 ये 2 ज़ा 30, ये सॉरी 20 और ये 23, 2304। तो न्यू नंबर क्या हो गया आपका, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 2304। तो 233 इस जो नंबर आया नया उसको आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो 2304 आया कैसे, 768 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और 768 का हम प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं, क्या था, आठ तो टू थे और एक थ्री था, और एक थ्री हमने इधर लिखा है तो वो भी आ जाएगा, तो ये इसका एक पैर, इसका ये और ये, तो क्या हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 2304 क्या आ जाएगा, एक तो दो, फिर इसका भी टू, इसका भी टू, इसका भी टू और एक थ्री, टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा क्या, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा, एट टू ज़ा 16, 16 थ्री ज़ा 48। तो देयर फोर 2304 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, या फिर 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2304। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 6 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।